वेलकम टू ऑल, आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशंस। वैसे तो डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशंस दी नहीं है, डिफाइन नहीं किया स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन 32 ये जो है सेक्शन 32 क्लॉज 1, ठीक है, रिलेट टू डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशंस है, डाइंग डिक्लेरेशंस थे, अपने को ये समझ में आता कि द पर्सन्स हु इज़ डाइंग हैज़ गिवन स्टेटमेंट टू द पर्सन्स, ठीक है। जो व्यक्ति मरने वाला है, ठीक है, जो व्यक्ति विक्टिम है या इंजर्ड व्यक्ति है या किसी ने उसको मारा है, ठीक है, इंजर्ड व्यक्ति हो, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया या कोई रोड पे पड़ा है इंजर्ड व्यक्ति, ठीक है, और कोई व्यक्ति उसके पास जाता है कि नहीं भाई इन्हें कैसा आपका एक्सीडेंट हुआ या कैसे आप इंजर्ड हो गए, तो वो जो विक्टिम है, जो इंजर्ड पर्सन है, वो इंजर्ड पर्सन अपना स्टेटमेंट देता उसके पास कि नहीं भाई मुझे फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे मारा है, उसने मेरे को चाकू से मारा, मुझे चाकू से मारा, या मेरा इसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। वो अपना जो स्टेटमेंट है, अपना स्टेटमेंट एक तो वर्बली देता, ओरली बताता उसको, इन्हें वो स्टेटमेंट देता, या कोई राइटिंग में अपना स्टेटमेंट देता, ठीक है, किसी के भी पास, ऐसा कोई जरूरी नहीं ले मैन के भी पास हो, अपना स्टेटमेंट दे सकता है। इन्हें ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वर्बली भी दे सकते, ठीक है, राइटिंग में भी दे सकते, या जेस्चर से भी अपना, जेस्चर साइन से भी अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, अपने डेथ के बारे में, यानी डेथ का जो कॉज है, रीजंस है, ठीक है, उसके बारे में जब वो व्यक्ति विक्टिम व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है किसी के पास, या कोई एज टू एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच रिजल्ट इन क्वेश्चन एज टू डेथ, ठीक है, या कोई अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है, एज टू एनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसके बारे में किसी के पास वो बताता, ठीक है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती, तो ये जो है एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन या कॉज टू डेथ, इसके बारे में जो व्यक्ति अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ, एक्सपेक्टेशंस है उनको डेथ का, या डेथ का एक्सपेक्टेशन हो भी सकता उसको या नहीं भी हो सकता, वो व्यक्ति मर भी सकता स्टेटमेंट देने के बाद या नहीं भी मर सकता, दोनों है, मर भी सकता या नहीं भी मर सकता। इंडियन लॉ में ये है कि जो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति है वो वाज अंडर एक्सपेक्टेशंस आर वाज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वो स्टेटमेंट देने के बाद मर भी सकता या नहीं भी मर सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट देने के बाद मरना ही चाहिए, लेकिन अगर वो जिंदा है, स्टेटमेंट दिया और वो व्यक्ति जिंदा है, तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशंस नहीं बोल सकते अपन उसको, क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा है, ठीक है, और वो व्यक्ति मरा, स्टेटमेंट दिया उसने कॉज ऑफ डेथ के बारे में, बताया कि नहीं भाई मेरे को, मुझे फलाने फलाने व्यक्ति ने मारा है, चाकू से मारा है, या मेरा इससे ये गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो अपना कॉज ऑफ डेथ बता दिया उसने और बाद में वो मर गया, तो वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा उसका, उसको बोलेंगे अपन डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, वो हो गया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, क्योंकि वो जो मरने वाला व्यक्ति है उसने वो स्टेटमेंट दिया है और कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताया, जो कॉज ऑफ डेथ है उसके बारे में उसने बताया, तो उसको बोलेंगे अपन डाइंग डिक्लेरेशन, एंड डाइंग डिक्लेरेशन विल बी एडमिसेबल,
वो एडमिसेबल हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन वो अगर व्यक्ति जिंदा है, उसने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता दिया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरा, ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ही होना चाहिए, मरना ही चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मरा, स्टेटमेंट दिया अपना और वो व्यक्ति अभी जिंदा है, सर्वाइवल है, तो उस वक्त इसको अपन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोल सकते, वो स्टेटमेंट एडमिसेबल नहीं होगा एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्शंस के लिए या सपोर्टिंग एविडेंस के लिए, क्योंकि वो जिंदा व्यक्ति है, उसको अपन कोर्ट में बुलाएंगे विटनेस करके, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसको अपन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोल सकते, उसको टेस्टेड कर सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते, ठीक है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, वो एडमिसेबल नहीं होगा, वो खुद व्यक्ति आएगा, वो खुद व्यक्ति कोर्ट में आ सकता है और अपना स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दो सेंटेंस दी है, एक सेंटेंस ये है कि वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा वो अपने कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रहा, ठीक है, वो एडमिसेबल हो जाएगा और उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे अपन वो मरने के बाद वो व्यक्ति, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कर रहा है कि एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच रिजल्ट इन हिज डेथ। तो वो व्यक्ति जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या कर रहा, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस के बारे में बता रहा, वो व्यक्ति को कोई इंजूरी नहीं हुई या कोई वो व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई वो व्यक्ति एडमिट भी नहीं हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, सिर्फ वो व्यक्ति एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस के बारे में बता दिया किसी के पास और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो उसने बता दिया वर्बली या राइटिंग में, तो वो स्टेटमेंट बता दिया किसी के पास और उसकी बाद में मृत्यु हो गई, तो जिसके पास बताया वो व्यक्ति कोर्ट में आके अपना जो विटनेस है, जो एविडेंस है वो देगा, कोर्ट में आके एविडेंस दे देगा कोर्ट में, ठीक है। तो उसको भी वो जो डिसीज जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने जो बताया किसी के पास सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस के बारे में, तो उसको भी बोलेंगे अपन डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो उसमें एक केस लॉ है, फेमस केस लॉ है पकाला सिंह की, ठीक है, पकाला सिंह स्वामी AIR 1939 की केस लॉ है। तो उसमें उसमें क्या क्या, जो पकाला सिंह स्वामी की जो केस है 1939 की, तो इसमें एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस के बारे में बताया। तो इसमें शॉर्ट में मैं बताता ये केस में क्या हुआ, तो ये केस में क्या हुआ, जो डिसीज था, ठीक है, डिसीज ने एक्यूज की जो बीवी थी उसको कुछ उधार पैसे दिए थे, ठीक है, जो डिसीज है, डिसीज ने एक्यूज के एक्यूज जो है उसके बीबी को कुछ पैसे उधार दिए थे, ठीक है। उधार देने के बाद कुछ दिन के बाद जो एक्यूज ने क्या किया, ये डिसीज को एक लेटर भेज दिया, ठीक है, डिसीज को एक लेटर भेज दिया और लेटर में ये कहा कि तुम मेरे घर में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे जो पैसे वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ये तारीख को तुम आ जाओ, मैं तुमका तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, ऐसा उसने लेटर भेज दिया डिसीज को, ठीक है। फिर डिसीज ने वो लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद जो डिसीज की जो बीबी थी उसको बताया कि नहीं भाई, ये जो जिनको मैंने पैसे दिया था, जिनको पैसे दिए थे उधार पैसे, वो व्यक्ति पैसे रिटर्न कर रहा, ये तारीख को मुझे बुलाया है उसने अपने गाँव में, और वो व्यक्ति मेरे को रिटर्न करने वाला है पैसे, तो इस तरह का उसने अपने बीबी को बता दिया ये बात, ठीक है, ये तारीख को मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसके घर में, और वो मेरे को रिटर्न पैसे करने वाला है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स था, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ये उसने अपने बीबी को डिसीज ने बता दिया और वो व्यक्ति चला गया उसके घर, ठीक है, पैसे जो वापिस करने वाला था उसके घर चला गया ट्रेन से, ठीक है। फिर जाने के बाद जो आरोपी ने क्या किया, उसको लगा कि नहीं भाई, अपने को तो उसके पैसे रिटर्न करना नहीं है, लेकिन उसको बुलाया,
उसने क्या किया, आरोपी ने उसके टुकड़े करके ट्रेन में जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है उस स्टील ड्रम में डाल के उसको रिटर्न में भेज दिया, उसको मार दिए, उसके टुकड़े करके वो कंपार्टमेंट में स्टील ड्रम में भेज दिया। और भेज देने के बाद वो ट्रेन आ गई इधर। फिर बाद में जब ये जो केस का इन्वेस्टिगेशन जब हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुआ, जो बॉडी थी बॉडी को आइडेंटिफाई किया, जो डिसीज था डिसीज के बीबी ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आइडेंटिफाई किया कि नहीं भाई मेरे ये हस्बैंड की ये बॉडी है। इन्वेस्टिगेशंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये जो बाई है डिसीज की जो बीबी है, डिसीज के बीबी ने कोर्ट में ये कहा कि ये जो मेरा पति है, ये मेरा पति, ये जो है एक्यूज ने लेटर भेजा था मेरे पति को, लेटर में ये लिखा था कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर रहा हूँ, ये तारीख को आ जाओ, ठीक है। तो ये बात जो बात उसके पति ने इसको बताई थी, जो बात डिसीज ने अपने बीबी को बताई थी, वही बात उसने कोर्ट में बताया, ठीक है। तो ये जो बात थी ये सरकमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के बारे में थी, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो सरकमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के बारे में थी, और ये डाइंग डिक्लेरेशंस करके ट्रीट हुआ और एडमिसिबल हुआ, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई आरोपी ने कॉज ऑफ डेथ तो बताया नहीं, कॉज ऑफ डेथ का कोई सवाल ही नहीं, उसको थोड़ी मालूम था कि नहीं भाई मैं उसके घर में जाऊँगा तो ये लोग मेरे को मार देंगे, मुझे मारने वाले, ऐसा इसको मालूम था। सिर्फ एज टू ट्रांजेक्शन, सिर्फ एज टू सरकमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन इसके बारे में अपने बीबी को बताया, और वही उसका वो उसको ट्रीट किया डाइंग डिक्लेरेशन करके, ठीक है, और वो आरोपी को कन्विक्शन हो गया इसमें, ठीक है। तो ये इसके ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन की ऐसी कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन ये केस जो है ये केस है तो उसमें डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1988 सुप्रीम कोर्ट 1850, ये केस में डाइंग डिक्लेरेशन को डिफाइन किया है। तो शॉर्ट में मैं बता देता, वही जो सेक्शन में लिखा है वही इसमें ये केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, तो वही डेफिनेशंस इसमें दी है, वैसे कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशंस नहीं दी, ठीक है। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है पकाला सिंह का, पकाला सिंह स्वामी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। अभी ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ, ठीक है, तो इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में जो डाइंग पर्सन है, जो पर्सन है जो स्टेटमेंट देता है एज टू कॉज ऑफ डेथ, ही मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ में वो स्टेटमेंट देता अंडर इंग्लिश लॉ, ठीक है। लेकिन इंडियन लॉ में क्या है, इंडियन लॉ में द पर्सन्स इज गिविंग स्टेटमेंट अंडर, पर्सन्स गिविंग स्टेटमेंट वाज अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ आर वाज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ, ये इसमें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में फर्क है। इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसेबल ओनली इन क्रिमिनल केसेस, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जुडिशियरी में अगर आप जुडिशियरी की तैयारी करते हो तो ये डाइंग डिक्लेरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। LLB की आप अगर एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ये डाइंग डिक्लेरेशन इम्पोर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन रहते, क्वेश्चन पूछते डाइंग डिक्लेरेशन पे, इवन जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछते, LLB की जो एग्जाम है उसमें भी पूछते, और कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम देते हो तो उसमें भी डाइंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन रहता है। तो इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इज अप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेज, बट इन इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन इज अप्लीकेबल क्रिमिनल केसेज एंड ऑल्सो सिविल केसेज में भी अप्लाई होता, क्रिमिनल केसेज में भी अप्लाई होता है। अभी ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन फेमस मैगजीम पे ये डाइंग डिक्लेरेशन बेस है। कौन सी फेमस मैगजीम है, तो सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो गया होगा, तो ये जो मैगजीम मैं बता रहा तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी, आप अपने तरह से प्रोनाउंस करने का ये मैगजीम का, तो ये मैगजीम है नेमो मॉरिटरस प्रिजुमेटर्स मेंटायर,
नेमोमोरिटरस प्रिजुमिटर्स मेंटायर। तो ये मैक्सिम पे डाइन डिक्लेरेशन बेस है। उसका मतलब क्या है ये मैक्सिम का, विच मीन्स दैट मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई इन हिज माउथ। तो ये मैक्सिम का ये कहना है कि जो व्यक्ति डाइन डिक्लेरेशन दे रहा, स्टेटमेंट दे रहा, वो व्यक्ति मरते समय अपने मेकर से अपने माउथ में झूठ लेकर वो मेकर के पास नहीं जा सकता। ठीक है, मेकर यानी गॉड, गॉड बोलते उसको भगवान, तो भगवान के पास अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, वो सच ही लेकर जाएगा, जो सच है वो सच लेकर जाएगा, झूठ लेकर वो भगवान से नहीं मिलेगा, अपने मुंह में झूठ लेकर वो भगवान से नहीं मिलेगा, यानी मरते वक्त वो सच ही बोलेगा। ऐसा ये मैक्सिम का मतलब है, क्योंकि ये जो मैक्सिम है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। ये मैक्सिम पूछते हैं जो एमसीक्यू वगैरह जो आते हैं, जैसे जुडिशरी में एमसीक्यू रहते या कोई एलएलबी के एग्जाम में एमसीक्यू रहते, तो ये मैक्सिम पूछते, ये मैक्सिम डेफिनेटली पूछते, इस पर क्वेश्चन रहता है, तो ये मैक्सिम ध्यान में रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो ये अभी डाइंग डिक्लेरेशंस का और बाकी पोर्शंस है। ठीक है, ये कुछ पोर्शन मैंने अभी कंप्लीट किया और बाकी पोर्शंस है, तुरंत मैं सेकंड वीडियो बना देता ये डाइंग डिक्लेरेशन पे। ठीक है, सेकंड पोर्शन बना देता डाइंग डिक्लेरेशन का, उसको भी आप अंत तक देखने का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाइंग डिक्लेरेशंस है। तो और मैं इसकी वीडियो बनाता सेकंड पार्ट में, अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया वीडियो। फ्रेंड, अगर ये आपको पसंद आई है ये मेरी वीडियो, तो आप इसको ज़रूर लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।